तो गाइस आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं ब्लैक डेकर का 126 हैंड टूल किट वाला वो बॉक्स जो वहाँ पे पड़ा है। तो लेट्स स्टार्ट अनबॉक्सिंग। आज ही उसकी डिलीवरी आई है और मैंने इसलिए मंगवाया क्योंकि मतलब घर में अगर कुछ भी छोटा मोटा चीज़ यानी कि प्लग या फिर कोई फ्यूज वगैरह वो ठीक करवाना है तो हम उससे करवा सकते हैं, इसलिए वो आज मंगवाया। तो अभी इसकी डिलीवरी आई है तो अभी खोल के देखते हैं कैसा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐसा वाला बॉक्स मिला है मुझे। चलो इसको अब अनबॉक्स कर दें और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या टूल्स है, क्या क्या टूल्स हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक, चलो। तो गाइस अनबॉक्सिंग के लिए पहले तो हमें ऊपर का रैपर निकालना पड़ेगा। ये देखो ये ऐसे निकल जाता है रैपर यहाँ से थोड़ा खींचने पर। से निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये देखो ये वाला पेपर का बैग आता है इसके साथ। इसमें सब कितने टूल्स हैं, 126 पीसेस है इसमें हैंड टूल्स। और पीछे से ये कुछ ऐसे दिखता है, इसमें ये सब इंफॉर्मेशन है कहाँ कौन सा पार्ट कितने इसमें हैं और क्वांटिटी उसकी, ऐसे आप देख सकते हो। बाकी इसको रख देते हैं साइड में और ये बॉक्स देखते हैं। बॉक्स काफ़ी स्टर्डी है, इसका मतलब क्वालिटी भी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी। ये थोड़ा पतला है, ये काफ़ी हार्ड है और ये ऐसे खुलता है। जहाँ से हम ये प्लग ओपन कर देते हैं और जहाँ से ये वाला ओपन कर देते हैं। ओके, सो ये कटर है जो बाहर निकला है, जैसे फिट बैठ जाता है, काफ़ी काफ़ी अच्छा फिट बैठता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। मतलब आपको बंद करने में भी कोई इसका एक भी पुर्जा गिरता नहीं है, एक भी इसका टूल हरदम अपनी जगह पे ही स्टेडी रहते हैं। और ये यहाँ पे इन्होंने दिया है मैट। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या मिलता है इसमें। इसमें ये मिलता है एक टॉर्च जो कि मतलब यहाँ से अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे सेल डालना पड़ता है। ये जो यहाँ पे सेल डालना पड़ता है इसमें, इसके अंदर एक दो सेल डलते हैं। बाकी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। बाय द वे ये पूरा किट मुझे पड़ा कुछ 2000 में, तो 2000 में अच्छे डील है। इसके बाद में ये मिलता है 3 मीटर का स्केल, 3 मीटर स्केल आपको मिलता है। ये वाला स्टिकर टेप जो इलेक्ट्रिशियन टेप होता है, प्लेयर्स मिलते हैं, सॉ भी दिख रही है इसमें, सॉ कटिंग के लिए यूज होती है ये वाली। तो सॉ है, हैमर है, हैमर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, ग्रिप काफ़ी अच्छा है इसका, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे पोर्ट्स है ग्रिप के लिए, ग्रिप काफ़ी अच्छा है ये एक। इसमें तो ये 6 लॉन्ग नोज प्लेयर मिलता है और ये 6 कॉम्बिनेशन प्लेयर मिलता है, काफ़ी अच्छा प्लेयर है, काफ़ी अच्छे से फिट बैठता है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होती। और ये जो है ये हमें बिट ड्राइवर मिलता है, बिट ड्राइवर टाइप। यहाँ पे हमें ये मिलता है, हमें 8 अलग अलग क्लॉ हैमर मिलते हैं, 8 आउंस हैंड सॉ।
उसके बाद में स्क्रू ड्राइवर, यहाँ पे ये वाला स्क्रू ड्राइवर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, लाइट टेकर का साइन उसमें, ये और एक स्क्रू ड्राइवर ये मिलता है आपको। इसमें हम अलग अलग से नट लगा सकते हैं कि यहाँ से कोई एक निकाल के इसमें लगा दिया, ये हम ऐसे लगा सकते हैं। ऐसे फिट बैठ जाता है इसमें काफ़ी अच्छा, कोई भी डिवाइस मतलब अगर खोलना रहा तो ऐसे खोल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमें ये सेट मिलता है पूरा स्क्रू ड्राइवर अलग अलग टाइप के एडी, इसमें देखो इतने इतने टाइप्स है, मुझे तो इतना पता नहीं है इन सब के बारे में, बट फिर भी बिट सेट कहते हैं इसे। बिट सेट के बाद हमें ये वाला कटर नाइफ भी मिलता है, कटर नाइफ काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, मैं किसी भी चीज़ को कट करेंगे। ये वाला नाइफ टेस्टर मिलता है यहाँ पे, ये देखिए काफ़ी अच्छा टेस्टर है, इसको हम यहाँ पर रखते हैं टेस्टर, इसको हम किसी भी प्लग में घुसा के देख सकते हैं कैसे वर्क कर रहा है, अगर उसमें आर्थिंग है या नहीं। उसके बाद में ये आपको मिलता है, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, लैपटॉप खोलने के काम आता है, मैंने अपना लैपटॉप खोला भी है एक बार इससे, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी स्मॉल प्लग्स भी आप ओपन कर सकते हो इससे। उसके बाद में इसमें हमें मिलता है ये वाला कुछ पिन सेट, जो दीवार में हम अगर लगाते हैं कुछ कीला वीला तो उसके काम में आते हैं, जैसे प्लग्स है देखिए, ये सब कुछ मिलता है इसमें, वायर एक मेटल की और अगर बाकी छोटी छोटी चीज़ें जैसे ये पिन करने के लिए इसी क्लिप बोर्ड, तो ये ऐसा इतनी सारी चीज़ें आपको मिलती है 2000 वाले इसमें, और काफ़ी नीट है, मतलब मैं तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, आफ्टर दैट ये जो आपका रहता है कि आप मतलब कोई घर की छोटी चीज़ जैसे कोई प्लग हो गया या फिर कोई मोटर हो गई या फिर कुछ भी आप ठीक कर सकते हैं इजीली, कोई आपको बाहर से प्लम्बर वगैरह बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मोस्टली अगर आपको काम आता है, काम आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो मतलब अगर पता नहीं है पूरा तो ऐसा ये काफ़ी अच्छा डिवाइस है, तो मैं रेकमेंड कर सकता हूँ ये लेने के लिए। बंद कर दिया, तो ये बॉक्स हो गया, ऑप्शन कहीं पर लेके भी जा सकते, काफ़ी पोर्टेबल भी है, स्टडी है और लगता नहीं है कि जल्दी ख़राब होगा या टूट जाएगा, तो थम्स अप मेरी तरफ से, आप चेक कर सकते हो। तो बताइए कैसा लगा आपको ये डिवाइस, ये वाला डिवाइस, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।